अगर आप फ्री फायर इंडिया के पोस्टर को ध्यान से देखोगे आपको इंडिया का मैप दिखेगा। अरे देवा। हेलो गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है माधव और आप लोग देख रहे हैं क्रिपेट इन्फो। तो गाइस, बस 2 दिन और बाकी है फ्री फायर इंडिया को आने में। आई नो, ऐसे में आप लोग सभी लोग जानना चाहते हो फ्री फायर इंडिया होगा कैसा। इसमें पहले की तरीके ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड होगा, पहले की तरीके अच्छा स्पॉन आइलैंड। सबसे मेन चीज, क्या फ्री फायर इंडिया में इंडिया का मैप होने वाला है? हाँ यार, आज की इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। इसी बात पे आप अपना होमवर्क भी पूरा कर देना, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? समझ गया। सबसे पहला चीज है वो है अपडेट फॉर माइनर्स, कि आप लोग में से जितने भी लोग 18 साल से कम है और उनने 18 अबव सेलेक्ट किया है, वो टेंशन हो रहा है कि गरीना मेरा अकाउंट ना बैन कर दे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, 18 प्लस सेलेक्ट करा है, लेकिन आप 18 बिलो कोई बात नहीं गाइस। तो का सेकंड अपडेट है वो है सस्पेंडेड अकाउंट अनबैन। आप लोग में से जिनका भी अकाउंट एबनॉर्मल एक्टिविटीज कह के बैंड हो गया है, तो आपका वो बैंड वाला अकाउंट आप फ्री फायर इंडिया के अंदर एक्सेस करके खोल सकते हो। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया है, आपका अकाउंट विदाउट एनी रीजन बैंड हुआ है तो तभी होगा ये चीज। थर्ड अपडेट है वो है लाइव हैकर बैन, यानी कि अगर आपके गेम में कोई हैकर आता है चलते मैच में, यानी कि बीच मैच में उसका गेम बैक हो जाएगा। और अगर आपका रिपोर्ट 100% सही रहा, यानी कि वो पक्का हैकर रहा, उस गेम में आपका माइनस नहीं लगेगा, आपका रैंक माइनस नहीं होगा, प्लस आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे किल बॉक्स में। एक चीज़ याद रखना कि आप किसी को फेक रिपोर्ट मत करना, कंफर्म कर लेना वो हैकर है या नहीं है। अगर आप लोग फालतू में रिपोर्ट करोगे तो आपका होनर स्कोर कम हो जाएगा। हम लोग का फोर्थ अपडेट है वो है हिंदी लैंग्वेज। तो आप लोग सोचोगे हिंदी लैंग्वेज तो अभी भी गेम के अंदर है, बट नहीं, ये थोड़ा एडवांस फॉर्म में है। मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दिखा देता हूँ। से मेरी मदद करो, दुश्मन आ रहे हैं, उन्हें रोक दो। सब्र रख, बहुत बढ़िया। आप लोग गेम के अंदर हेल्प मी फॉलो मी बोल लेते थे, वो अब हिंदी में बोलेगा। नहीं नहीं, आपको यूट्यूबर के वॉइस भी मिल सकता है, सकता है तुम्हारे भाई का भी वॉइस आ जाए फ्यूचर में, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे आपको बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज और इंडियन यूट्यूबर्स के भी आपको वॉइस देखने को मिल सकते हैं, तो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। हम लोग का फिफ्थ अपडेट है, ये अपडेट तो नहीं है, लेक क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन विद फ्री फायर मैक्स। जब हम लोग का फ्री फायर इंडिया आ जाएगा तो ये फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के साथ क्या होगा? क्या हम लोग इन दोनों गेम को खोल ही नहीं पाएंगे? तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होगी। तो आपका पहला फ्री फायर और फ्री फायर इंडिया है वो शट डाउन हो जाएगा, यानी कि इंडिया वाली आईडी को फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स में रन नहीं कर पाओगे 5 तारीख के बाद। और जो दूसरी चीज़ है वो है, जैसे आप लोग के पास दूसरे सर्वर की आईडी है जैसे इंडोनेशिया ब्राज़ील, तो आप लोग ये वीपीएन लगा के एक्सेस कर पाओगे। मतलब जैसे आपको सिंगापुर सर्वर या बांग्लादेश सर्वर का लॉगिंग करना है तो वीपीएन लगाना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे हो फ्री फायर इंडिया आने के बाद फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स में आईडी नहीं खोल पाएंगे, तो आप लोग टेंशन मत लो, हो जाएगा। हम लोग का सिक्स अपडेट है वो है ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड। फ्री फायर इंडिया के अंदर ट्रेनिंग ग्राउंड में चेंज होगा, तो ये बताने से अच्छा मैं आपको एक चीज़ क्लियर ही बता देता हूँ। ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड ऑल स्पॉन आइलैंड, लोग पहले की तरीके जंप फॉर्म करते थे ना, वो जो ग्लाइडर था, इन सब में से कुछ नहीं अब रिटर्न आने वाला है। देखो, जो फ्री फायर इंडिया के बेसिक्स होंगे, नॉर्मल आप लोग गेम खेलते हो लाइक हैक करके हेडशॉट मारना, यानी कि जो नॉर्मल गाड़ियाँ चलती है गेम में, इन सब में कुछ चेंज नहीं होगा, ये सब नॉर्मल फ्री फायर ही है। तो सोच रहे हो फ्री फायर इंडिया कुछ अलग है? नो, एकदम सेम है, गेम का मैकेनिज्म बस सेम ही रहेगा। तो बाहर वाले चीज़ें ना, यानी कि जैसे इंटरफेसेस, इन सब में चेंज होगा, बेसिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग का सेवन्थ नंबर अपडेट है वो है MS धोनी इवेंट। जो अपने MS धोनी सर के साथ जो कोलैबोरेशन होने वाला है, हम लोग को कौन कौन से इवेंट देखने को मिलेंगे, क्या सीन होने वाला है, 5 तारीख के बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी इवेंट की डिटेल बता दूंगा, कौन सा इवेंट होगा, क्या क्या फ्री में मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो MS धोनी के कैरेक्टर का नाम होगा थाला। बात करें इस कैरेक्टर की एबिलिटी की, अभी तक इस कैरेक्टर की एबिलिटी कंफर्म नहीं है, अभी रहने ही देते, जब मुझे कन्फर्म हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अपना 8th अपडेट है वो है इंडिया मैप। फ्री फायर में इंडिया का मैप आने वाला है, तो नाम में फ्री फायर इंडिया तो इंडिया का मैप होगा। अगर इंडिया का मैप होगा तो हम लोग अपने घर भी जा सकते हैं, तो इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ना इंडिया का मैप आने वाला है, ना आप लोग अपने घर जा सकते हो।
मेन बातें मैं आपको बस वही बता रहा हूँ कि मैंने आपको पहले बताया गेम सेम होने वाला है, मैकेनिज्म सेम होने वाले हैं। मैप बरमोदा है तो बरमोदा ही होने वाला है, कलहरी है तो कलहरी मैप होगा। ये मत सोचो कि दिल्ली पहुंच गए मुंबई पहुंच गए। 9th अपडेट है वो है डिफरेंस बिटवीन फ्री फायर एंड फ्री फायर इंडिया। मुझे पता आप लोग इस चीज़ के बारे में तो जानना चाहते ही होगे, सब कुछ सेम है। अगर आप लोग अभी के टाइम पे फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स खोलोगे तो आप लोग को फ्री फायर इंडिया देखने को मिलता है। दिस इज़ अ वर्चुअल गेम लिख के आता है और 18 ब्लो या 18 अबव भी लिख के आता है। सब कुछ सेम मिल रहा है तो आपको फ्री फायर या फ्री फायर इंडिया में क्या डिफरेंस है? आपको बता दे रहा हूँ कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 5 तारीख के बाद आपका नॉर्मल फ्री फायर शट डाउन हो जाएगा। सेकेंड चीज़ है वो आपका जो 99 प्लस नेट चला जाता है वो नहीं जाएगा और गेम का लैग फिक्स हो जाएगा। लोग जो स्पोर्ट्स प्लेयर बनने का सपना रखते हो वो आप लोग का रास्ता खुल जाएगा। तो आप लोग कह रहे हो कि क्या गारंटी है कि फ्री फायर इंडिया नहीं बैंड होगा? GMI इंडिया के लिए आया था लेकिन वो तो बैंड हो गया। अलग बात है वापस अनबैंड हुआ, पर बैंड तो हो गया था ना। क्या गारंटी है कि फ्री फायर इंडिया नहीं होगा? सच बताओ किसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्री फायर इंडिया बैंड हो जाए। देखो रेड डैमेज को तो येलो डैमेज में बदल दिया गया, बॉडी में ब्लड्स के इफेक्ट थे पटाखे से रिप्लेस कर दिया। आप लोग किसी बंदे को मारोगे तो जैसे पटाखे नहीं फूटते चट 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 चट, यानी कि तड़तर तड़तर करके, क्या बोल रहा हूँ, तत्तर तत्तर, देखो उस टाइप के पटाखे फूटते हैं। तो ये चीज़ तो हो गया, इस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ, जो होगा मैं आपको बता दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए गुड बाय।